सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू GRS टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल पटना का सबमिटिव असेसमेंट 1 का क्वेश्चन पेपर, जो कि क्लास 8th का है और सब्जेक्ट है हमारा GK यानी कि जनरल नॉलेज का। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल पटना का है, GK का है, क्लास 8th का। और इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना होता है डेढ़ घंटे में। डेढ़ घंटे का टाइम आपको दिया जाता है और टोटल आपसे 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा तो आप वीडियो को पॉज भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे नेम दिस फेमस लेबोरेटरीज पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर जो है मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, ये वर्ष 2015 से 16 तक के सेशन का है। एंड प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं अपने स्कूल के, वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले लेबोरेटरी का यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है। मैं एक एक करके तो नहीं बता सकती हूँ क्वेश्चन और आंसर का, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आप अपना वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, नेम द फेमस पर्सनालिटीज़ हुज कोटेशन आर बिलो। कोई बड़े बड़े जो पर्सन होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो अपना एक कोट बनाते हैं, है ना, ताकि दूसरे को मोटिवेट कर पाएँ, अपने सक्सेस का सीक्रेट बता पाएँ। सो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे कोटेशन आपको पहचानना है कि किस फेमस पर्सनालिटी ने इस कोटेशन को बोला है। ब्यूटीज लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर बहुत ही फेमस है, तो ये प्लेटो के द्वारा बोला गया है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, ये पीपी शैली के द्वारा बोला गया है। ही हु डज नॉट प्रिवेंट अ क्राइम व्हेन ही इनकरेजेस, ये किसके द्वारा बोला गया है, लुसियस के द्वारा। सो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको प्रिपेयर रहना होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गिव वन वर्ड आंसर, आपको एक शब्द में आंसर देना है। यहाँ पे आप लोगों को एक शब्द बोला गया है तो एक शब्द में ही लिखना है, आंसर दिस क्वेश्चन की तरह भर करके नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो एक मार्क्स का है, और इसी तरीके से 10 क्वेश्चन दिए गए हैं तो 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम दिस इन्वेंटर। बहुत सारा चीज़ जो है वो किसी के द्वारा इन्वेंट किया गया है, और उन फेमस पर्सनालिटी को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो उनका आपको यहाँ पे लिखना है कि ये जो है वो किसने डेवलप किया है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, पोटैटो चिप्स हो गया, पैराशूट हो गया, होलोग्राफी हो गया, ये सब आप लोग ने GK के बुक में पढ़ा ही होगा, तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। अब आप लोगों को यहाँ पे लिखना है कि जैसे कि बुर्ज खलीफा कहाँ है, तो बुर्ज खलीफा दुबई में है। राजघाट कहाँ है, तो राजघाट न्यू दिल्ली में है। तो इसी तरीके से आपको इसका भी आंसर कंप्लीट करना है। एक क्वेश्चन जो है वो एक मार्क्स का है, इसी तरीके से 5 क्वेश्चन दिए गए तो आपको 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, नेम द ब्रांचेज ऑफ साइंस। हमें यहाँ पे साइंस के ब्रांचेज का नाम बोलना है, लिखना है एक्चुअली। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, और 4 क्वेश्चन दिया गया है तो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में, नेम द फेमस एस्ट्रोनॉट के बारे में पूछा जा रहा है कि फेमस एस्ट्रोनॉट कौन कौन रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और इसी तरीके से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं तो यहाँ 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि एक क्वेश्चन जो है एक नंबर का है, 4 क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स का हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक से आपको ये अच्छे से याद रखना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कवर अप करा है अपने रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल पटना का SA1 यानी कि सबमिटिव असेसमेंट 1 का क्लास 8 का जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।